उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप व राजा खीर सिंह खंगार की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही 3 दिन चलने वाले कालिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन किया। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज उन्हें राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप महाराजा खीर सिंह की मूर्ति के अनावरण का अवसर मिला है। नीलकंठ महादेव के महोत्सव के उद्घाटन का अवसर मिला। यह क्षेत्र श्री श्री मुनियों की तपोस्थली रहा है। दिव्य महापुरुषों का सानिध्य प्राचीन काल से प्राप्त होता रहा। बांदा में रानी दुर्गावती को कौन भूल सकता है। 2017 में पहली बार बुंदेलखंड आया था, तब मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से विकास की शुरुआत करने को कहा था। आज दिल्ली पहुंचना आसान हुआ। आगे चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां की तोपें पाकिस्तान में गिरेंगी। हर घर पानी पहुंचा। कैन बेतवा नदी जुड़ने के बाद बुंदेलखंड स्वर्ग बन जाएगा। ग्लोबल समिट में 33 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए। बुंदेलखंड के लिए 4.5 लाख करोड़ आया है। यहाँ रोजगार बढ़ेगा। कठिया गेहूं और एक जनपद एक प्रोडक्ट से लाभ होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर बुंदेलखंड के सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। यहाँ होटल खोले, किले जो जर्जर हो रहे हैं इनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। ऐसी जमीन को विकसित किया जाएगा। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने यहाँ की संपदा लूटी, ऐसे लोगों की काली साया भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। परिवारवादी लोगों को गरीब से मतलब नहीं था। बांदा जनपद में 88,457 लोगों को पीएम आवास मिले। क्या सपा बसपा कांग्रेस में नहीं मिलना चाहिए था। बांदा में 2,66,783 किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। बुंदेलखंड डबल इंजन की सरकार में प्राथमिकता में है। डबल इंजन की सरकार में राशन की डबल डोज दी। कार्तिक मेले को कालिंजर के राजकीय मेला घोषित किया। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता। स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।